गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू द लेसन वन, नेम ऑफ द बुक फीचर स्टेप क्लास सिक्स। स्टॉपिंग बाय वुड, जंगलों द्वारा रोकना। नेम ऑफ द चैप्टर पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स, जंगलों द्वारा रोकना। ये लेसन चैप्टर वन है क्लास सिक्स का, इंग्लिश रीडर का। हम इसको आप पढ़ते हैं। दीज आर आई थिंक आई नो। यह जंगल किसका है? लगता है मुझे पता है। हिज हाउस इज इन द विलेज, दो यदि भी उनका घर गांव में है। ही विल नॉट सी वन स्टॉपिंग हियर, वह यहाँ एक भी रुकता हुआ दिखाई नहीं देता। टू वॉच इज वुड्स फिल विद स्नो, और उसका जंगल देखने के लिए, जो जंगल है वो स्नो से भर जाता है। फिलअप नहीं भर जाना, स्नो मानी बर्फ़ से। माई लिटल हॉर्स मस्ट थिंक आई क्यू, मेरा छोटा घोड़ा जानता है कि मैं बहुत अजीब क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजनबी। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, मैं बिना ही फार्म हाउस के पास रुकना, जंगल जो कि जंगल और जमी हुई झील के बीच में है। टू डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, जो कि साल की सबसे अंधेरी शाम है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल ए शेक, वह अपने घोड़े की बंधी हुई बेल को, जो घोड़े की गर्दन में बंधी हुई जो बेल है, घंटी है, उसको हिला देता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, और ये पूछता है कि कोई मैंने गलती तो नहीं की। द ओनली अदर साउंड्स वी स्वीप, और दूसरे जो आवाज़ हैं वो सारी एक प्रकार से स्वीप हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं या रुक जाती हैं। ऑफ ईजी विंड एंड डाउरी फ्लैश, और आसान हवा एंड डाउनी फ्लैक होता है, डाउनी यानी कि सॉफ्ट आइस, फ्लैक मैंने पर्व, ईजी हवा और मुलायम बर्फ की जो परत है। द वुड्स आर लवली, जंगल बहुत ही प्यारे हैं, अच्छे हैं। डार्क हैं, घने हैं एंड डीप, और काले हैं घने, डीप डार्क मन काले, डीप मन गहरे हैं। बट आई हैव प्रोमाइसिस टू कीप, मैं वादा करता हूँ इनको मैं बनाए रखूँगा। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स, मुझे बहुत ही मीलों जाना है बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले, और मुझे सोने से पहले बहुत दूर चलना है, बहुत दूर जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे बहुत दूर जाना है। ये कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जो कि जंगलों के बारे में बताई गई है। नेक्स्ट लेसन करवाएंगे आपको, ये जो पोइम है रीड करनी है, और इसके जो वर्ड मीनिंग है, वुड्स मानी जंगल, वॉच मानी ऑब्जर्व करना, स्नो मानी सॉफ्ट आइस, क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजनबी, अजीब है, फ्रोजन मन जमी हुई, जो कि जमी हुई बर्फ़ से जो जमी हुई चीज़ें होती हैं उसको फ्रोजन कहते हैं। हॉर्नेस मनी होता है जो घंटी, जो घोड़े के गर्दन पर बंधी हुई होती है। सेक मनी मूवमेंट, हिला परिवर्तन करना, इसमें बदलाव करना। डाउनी का मतलब सॉफ्ट ब्लैक आइस है। लवली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, सुंदर। प्रोमिस मनी किसी चीज़ को वादा करना, कार्य करना। और फ्लैग का मतलब होता है जैसे कोई परत होती है। इसी के साथ हमारी पोइम ख़त्म हो जाती है। थैंक यू, नेक्स्ट पढ़ाएंगे।